जब तक ये धरती है मोदी जी और योगी जी ही रहेंगे। कांग्रेस तो चोट्टा था, लालू का खानदान भी चोट्टा था। काम ये पत्रकार लोग ही कर रहे हैं, नारद मुनि का काम। क्या बात हुआ? यहाँ हुआ है, अगर बिहार में हुआ रहता ना हम लोग फाड़ के रख देते हैं, समझे? किसी को पढ़ने नहीं, मेरा धरती मेरा घर और दूसरा आकर यहाँ राज करेगा। 24 में बताइएगा क्या मोदी जी का जादू फिर से? मोदी और योगी ही रहेंगे जब तक ये पृथ्वी है ना, तब तक वो लोग। देखिए ना जी, देश से लेकर विदेश तक जमीन जायदाद खरीद, सारे जाहिल जपाट बेटा बेटी को डॉक्टर का उपाधि दे दिया। करवाइए ना आप ऑपरेशन उन लोगों से, नहीं ना तब कितनी क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी इस बार। सब बात छोड़िए, ऐसा है सर, सीधी बात है। अभी लालू की आपने चर्चा करी, सावन के महीने में कोई भी मांस भक्षण नहीं करता जो शिव भक्त होता है, मानते हो ना? लालू ने उन्हें बिहार का पसंदीदा दरभंगा मटन खिलाया, किसको? महान शिव भक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे राहुल गांधी जी, जो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, उनके मुंह में ठूस ठूस के दरभंगा का मटन खिलाया। तंत्र बचाना है तो मोदी को हटाना है और इंडिया को लाना। लोकतंत्र गया ही कहा कि ये बचाएंगे, लोकतंत्र तो है ही और हमेशा रहेगा। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बचाने से बचेगा। ये बताओ, ये जो घटना अभी मेवात में हुई है, अगर ये आपके गोरखपुर में होती या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जिले में होती तो क्या स्थिति होती? देखिए, पहली बात तो घटना होती ही नहीं, घटना होती ही नहीं। और योगी जी केवल इस घटने के विरोधी नहीं है कि अगर मुस्लिम ने किया तो उसका बदला लेंगे। योगी जी का जब वे सांसद मात्र थे तब से उनका ये था कि माफिया कोई भी हो, किसी जात का हो, अत्याचारी कोई हो किसी जात का हो, आक्रांता कोई हो किसी जात का हो, तो उसको वे बर्दाश्त नहीं करते थे। योगी जी से पहले गोरखपुर में माफिया राज चलता था, तिवारी और शाही का बोलबाला था, उसको योगी जी ने खत्म किया था। अच्छा, ये बताओ, आप तो गोरखपुर के हैं और योगी जी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, क्या योगी जी ठाकुरवादी हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहली बात, एक मठ का जो मठाधीश हो गया उसकी जात और धर्म खत्म हो गई, तो फिर जाति का बात ही कहाँ है? जात ना पूछिए साधु की, पूछ लो फिर भी। अरे भाई, उनकी जात है ही नहीं, उनकी जात है ही नहीं, तो उस पर आप बात क्या करेंगे? अगर आप मान भी लीजिए जात है, तो जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए एक्स वाई जेड आप ब्राह्मण जात के हैं, अगर आपको का काम ये पत्रकार लोग ही कर रहे हैं, नारद मुनि का काम। आप भी गोरखपुर से हैं क्या? नहीं, हम कहीं से भी हैं। जो कांड यहाँ हुआ है, अगर बिहार में हुआ रहता ना हम लोग फाड़ के रख देते हैं, समझे? किसी को पढ़ने नहीं, मेरा धरती मेरा घर और दूसरा आकर यहाँ राज करेगा और हम लोग पर अत्याचार करेगा, बीचे बीच चीर देने का ताकत हम लोग रखते हैं। मैम, 24 में बताइएगा क्या मोदी जी का जादू फिर से? मोदी और योगी ही रहेंगे जब तक ये पृथ्वी है ना, तब तक वो लोग कि ये धरती है, तब तक मोदी जी और योगी जी ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या क्वालिटी मोदी जी की सबसे बढ़िया लगती है? सारी क्वालिटी है, सारी। कांग्रेस तो चोट्टा था, लालू का खानदान भी चोट्टा था, और देखिए मोदी जी है तो सारा दुनिया एकदम राज कर रहा है। देखिए, देखने की चीज है। 1100-1200 का सिलेंडर, देखिए ना जी, देश से लेकर विदेश तक जमीन जायदाद खरीद, सारे जाहिल जपाट बेटा बेटी को डॉक्टर का उपाधि दे दिया। करवाइए ना आप ऑपरेशन उन लोगों से, नहीं ना तब कितनी क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी इस बार। सब बात छोड़िए, अभी लालू की आपने चर्चा करी, सावन के महीने में कोई भी मांस भक्षण नहीं करता जो शिव भक्त होता है, मानते हो ना? लालू ने उन्हें बिहार का पसंदीदा दरभंगा मटन खिलाया, किसको? महान शिव भक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे राहुल गांधी जी, जो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, उनके मुंह में ठूस ठूस के दरभंगा का मटन खिलाया। ऐसे दुष्ट लोग जो भ्रमित हैं, भ्रष्ट है, जातिगत भी भ्रष्ट है, दिमाग से भी भ्रष्ट, और भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव बेल पे घूम रहा है। अपनी बेटी की किडनी लगाई है उसने सिंगापुर में जाके, रोहिणी आचार्य की है, और ये मटन खिला रहे हैं उसको। राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं, और अभी 2 साल की उसे सजा दी थी सूरत कोर्ट ने, उस पर कंपनसेशन मिल गया भाई, 1 साल हो जाएगी या कम हो जाएगी, उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। अरे भैया, चोरों पे भी खुशियाँ मना रहे हो, कैसे बेशरम हो? आई डोट एंड डोट डी डोट
I.A जो इंडिया इन्होंने तथाकथित बनाया, इस डॉट में ही डाउट है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और भ्रष्टाचारी है, और इन भ्रष्टाचारी परिवारवादी लुटेरों पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। वो बहन जी सही कह रही थी, ये छोटे लोग हैं और इन लोगों ने सिर्फ लूटा है, अनपढ़ गंवारों को बैठाया। राबड़ी देवी कतई अनपढ़ गंवार, क्या इन्हें और कोई यादव नहीं मिला था बनाने को? अपने गंवार नो वी फेल, तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। सुनो हाँ, तुम्हें तो एमए की डिग्री है, सुनो हेलो एमए की डिग्री है, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, एमए की डिग्री है मोदी के पास, डबल एमए है मोदी, डबल एमए है। अब तो फिर उस पर कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया जब केजरीवाल ने बोला मोदी अनपढ़ है इसी के जैसा। सुन तो लो, ये देखो मूर्ख वाली बात कर दी एक मेरी, बिना टेली प्रॉम्प्टर की एक बात नहीं निकलती, बताओ चौथी पास मोदी और ये राबड़ी देवी को। और एक बात हमारा देश अगर अनपढ़ भी चला रहा है और देश बचाए तो अनपढ़ ही सही, हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ सही, क्योंकि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री अनपढ़ होते तो उनको सलूट नहीं मारती बाहर का देश।